हेलो। हेलो। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सलोनी बात कर रहा हूँ। सुबह में बात किया था ना मॉर्निंग में। हाँ बोलिए हेलो सर, बोलिए। आज तो आप ट्रेंडिंग में आपकी अमाउंट भी लग रही है, कि आपका ये भी हो रहा है क्या बोलते हैं ना सर, अभी जो आप ये होएगा क्या बोलते हैं, अभी अपना लास्ट कभी है 20 सर, अभी आपका 25 या 24 को चार्जेस लग जाएगा सर। आप अगर मिनिमम भी करते हो तो ठीक है सर, अगर आपको जिसमें ऐसा ऐसा उल्टा बोला है, गाली गलौज किया है, आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, पर अभी आपका कुछ फायदा हो रहा है क्या सर? मैम आपका तो मुझे आप टाइम पे लेना, आप आपने किया था मॉर्निंग में कॉल, और जो उन्होंने किया तो किया है। आपने भी क्या बोला था मैंने मुझे? ही कॉल किया सर। आपने देखो, अगर आप मेरे फैमिली में बोल रहे हो, आप मेरे को बोल रहे हो तेरा बाप पागल, तेरी फैमिली पागल, तो ऐसा कोई सुनता है सर? अगर मैं आपसे पहले सच से बात किसने करूँ तो बोला आप है? नहीं रिकॉर्डिंग है बोलोगे भेजूं? सर। आप एक सेकंड सर, आपने मुझे पागल नहीं बोला था रिकॉर्ड पहले किसने बोला था वो बताओ पहले। सर? मैंने आपसे पहले बोला ही नहीं था सर। मैं रिकॉर्डिंग भेजूं आपको? आपने अच्छा, आपने मुझे आप क्या अपना बोला था एड्रेस सर? दीजिए। मैम आपने मैम मुझे क्या बोला था? नहीं मैम मानने का है, मैम नहीं सुनिए, मानने का आप है। सुनिए, ये सब बात छोड़िए। आप एड्रेस दीजिए ना, आप कहाँ से बोल रहे हो, अच्छा कहाँ बैठे, सुनिए सुनिए, कहाँ बैठे हो आप, अगर बोलिए मैंने ना। आपको बोला था, एक्सट्रीमली सॉरी सर, अगर नहीं मैंने आपको मुझे बोला था तो देखिए मैडम, एक्सट्रीमली मुझे सॉरी सॉरी। नहीं सुनना। एक बात सुनिए, इसके पहले कुछ लोग आरबीएल की तरफ से एक गाली गलौज किए थे घर पे, जहां मैं पहले, सर सुनिए ये मजाक सुनिए है, सुनिए, ये पहले मजाक पहले मेरी बात सुनिए। पहले मैं जहां रहता तो वहां पे आके हंगामा किए थे। तो क्या पूछ लो लड़कों को ये क्या नाम तो बोलिए उनका सर, जिससे आपसे बात हुई थी, जिसने आपको ऐसा उल्टा गाली गलौज दिया, मैम तो उनका नाम तो बोलिए देखिए, मेरे मैम को देखिए, मैं बोलिए। आपके ब्रांच में गया हुआ था, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग लेके, उनका वीडियो लेके जो भी आए थे मैं गया हुआ था, ठीक है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग एजेंसी का नाम और ये नहीं बताते हो। तो उन्होंने मुझसे पहले बोला है कि आप एजेंसी का नाम ले लीजिए जो भी आपसे बात करता है, और उनकी एम्प्लॉय आईडी ले लीजिए, उसके बाद ही आपको उनसे बात करना है। ब्रांच मुझे ऐसा बोला गया है, तो आप पहले एजेंसी का नाम आप कन्फर्म कौन से कीजिए। ब्रांच में और गए थे सर? अच्छा मेरे यहाँ पे है, मतलब मैं अभी यूपी में, यूपी का एक ब्रांच है, वहां पे मैं गया हुआ था यूपी में, जी। और मतलब ठीक है, कस्टमर को जिस तरह से बात हुई उनका नाम तो बोलिए सर, वैसा मतलब मैं सर को नाम बोल रही कुछ हूँ, उनका सौरभ नाम तो बता बोलिए रहे थे नहीं सर, मैडम, वैसे आप सौरभ उनसे बता बात रहे थे नाम, वो सौरभ सर जी को अपने तो सौरभ बोलिए बता सर, रहे थे। उनको और एक सौरभ सर प्राची करके कोई लड़की थी आपके यहाँ पे, सुनिए, और प्राची करके प्राची लड़की थी, उन्होंने भी कॉल किया था। उन्होंने तो मेरे कॉन्टेक्ट वगैरह पे कॉल करके गाली गलौज किया हुआ है। गाली गलौज सर, हाँ, मतलब कॉन्टेक्ट क्या पे मतलब कॉल ऐसे ही करके। मतलब सीधा बोलने लग गए मैम सर, आप ऐसे ना ही मुझे किसी को एक एक बुलवाया एक काम था कीजिए, एक काम कीजिए, आप ना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको सब कुछ, सब रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ना आपको। देखिए सर, अगर आपको ऐसा कोई कुछ बोला गया है तो मतलब उनके तरफ से हो रहा, बट आपकी पेनल्टी चार्जेस लग रहे हैं ना सर, आप लगने तो बस दीजिए ये मैम, कर दीजिए देखिए आप। वो सब लगने दीजिए, उससे मुझे कुछ नहीं। जब तक इसके खिलाफ मुझे ना पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आगे कुछ भी स्टेप नहीं लेने वाला। मैं क्लियरली देखिए ब्रांच, सर, मैंने ठीक है, आप करिए, आपने आपको मना नहीं कर रही सर, आप करिए, आपने ब्रांच बस ने भी रिकॉर्ड मुझे यही किया, बोला आप है, करिए ब्रांच में भी मुझे वही बोला, जब तक आप अपनी एजेंसी का नाम, एड्रेस और आपका एम्प्लॉय आईडी नहीं बताओगे, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए, मैं किसी को भेजता हूँ वहाँ पे, सर। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप मेरे बैंक में आ जाइए, मैं आपको सामने मिल जाऊंगी, बताइए ना। मैं पर भेज रहा आप हूँ ना, मुझसे नहीं बोल मैं रहे कहाँ ना बोल रहा हूँ मिलने के लिए। आप एड्रेस दीजिए, मैं भेजता हूँ किसी को। क्या सर? आप एड्रेस बताइए, कहाँ बैठे हो आप यूपी पे हो ना सर? आप बोलिए ना, मैं भेजता हूँ ना किसी को। मैं यूपी में हूँ तो मैं बात करवा सकता हूँ ना गोरेगांव ब्रांच में आ जाइए ना सर, मैम। गोरेगांव गोरेगांव ब्रांच मैंने, में मैं बात इसके इसके कर पहले भी मैंने कॉल किया था, वो मैडम को भी मैंने बोला, गोरेगांव ब्रांच में ऑलरेडी जाके आ चुका था मैं पहले, ठीक है। वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, चलिए आप गोरेगांव ब्रांच से ही बात करते सर। एड्रेस अगर दीजिए, कौन अगर से आपके ब्रांच, पास सुनिए एड्रेस बताइए, कंप्लीट एड्रेस बताइए, और अपनी एम्प्लॉय आईडी और अपना नाम बताइए, रियल नाम बताइए। मेरा रियल नाम सलोनी है सर, जैसे कि मैं आपको सुबह भी वही बोल रहा था, अभी भी यही चलो बोल रहा एम्प्लॉय हूँ। आईडी बताइए अपना, हाँ ठीक है सर, आप मुझे आपका ये एम्प्लॉय आईडी व्हाट्सएप बताइए है ना, मैडम, एम्प्लॉय आईडी। आपका ये व्हाट्सएप है ना, मैं आपको फोटो भी भेज देती हूँ। आप ब्रांच में कब आ रहे हो सर, मुझे ये बता दीजिए आप सर, बताइए सही, मैं अगर ब्रांच में मेरे मैं फेवर भेजता होगा हूँ। तो मैं आप मुझे कंप्लीट एड्रेस दीजिए, आज ही भेजता हूँ, आज मैं तो आज भेजता हूँ, और बताता हूँ कैसे बात करना चाहिए कस्टमर से। सर। देखो मैंने आपसे पीछे बात की है, आपके अगर अगर आप पीछे आप बात आर करके आर पेमेंट का आर बोल रहे हैं, आर अगर आप आर आर बी एल बैंक से बात कर रहे हो ना, मुझे उससे, मुझे उससे कुछ लेना आरबीएल बैंक देना से नहीं। बात आर करी सर, मैंने आपको आर बी क्या एल बोला बैंक, सर, आप आपने, ब्रांच में आइए, आप ब्रांच में आए थे सर, मैं वही बोल रहा हूँ मुझे ना, ब्रांच में आ रहा हूँ, आप एड्रेस दीजिए ना, मैं भेज रहा हूँ किसी को, आप एड्रेस दीजिए कंप्लीट। आप आइए ना सर, क्योंकि वो आएंगे फिर मैं बोलेंगे नहीं सर, हम लोग को भी आपको भी जॉब ठीक है, मैं चाहिए भी आ इसलिए, जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा, आप क्योंकि एड्रेस आपको बोलिए मेरे से आप। मतलब हाँ मेरे ठीक से है, बात एड्रेस नहीं है, बताइए, तो एड्रेस बताइए, कंप्लीट एड्रेस सब बताइए। आ रहे हो सर आप। मैं आ रहा हूँ, आ ही आ रहा हूँ, एड्रेस बताइए। अच्छा यूपी से आप आ जाओगे, ठीक है हाँ आपका मैं आ व्हाट्सएप जाऊँ, नंबर है ना सर?
इस पे व्हाट्सएप नहीं है मेरा मैडम, मैसेज कीजिए, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कीजिए इस पे। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जल्दी कीजिए। हाँ कब तक मैं एक्सपेक्ट करूँ आप करोगे? क्या सर? कब तक मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे मैसेज आ जाएगा आपका? क्योंकि मुझे और भी कॉल करके करना पड़ेगा ना, अरेंजमेंट करना पड़ेगा।